Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ये जो एक सुंदर महामंत्र है ओम शांति, जिसका उच्चारण आप यहाँ 3 दिन से कर भी रहे हैं, आप लोगों को अनुभव होता होगा ओम शांति बोलने से ही एक गहरी शांति की अनुभूति हम सबको होती है, होती है ना? आज हम सबका जो विषय है कि हम अपना संबंध उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ किस प्रकार सहज रीति से जोड़ें। राजयोग एक ऐसा शब्द है जो अनायासी हमें अलौकिकता की तरफ प्रेरित करता है। आजकल की दुनिया में तनाव, चिंता, भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परंतु हम योग को एक शारीरिक क्रिया मान लेते हैं कि योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम है। परंतु अगर आप देखेंगे शास्त्रों में भी दिखाया है, श्री कृष्ण जी को भी योगेश्वर कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, और गीता में कहा गया है मन मना भाव, जिसका भाव होता है मन को मेरे में लगाओ। श्रीमद् भगवद गीता कहें या कुरान पाक में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, हर धर्म में वर्णित है। गीता के महावाक्यों के अनुसार देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग कर मुझ एक को याद करो, मामिकम याद करो। अब मुश्किल आती है कैसे उस एक को याद करें, क्योंकि राजयोग कोई शारीरिक योग नहीं, ये एक मन का योग है। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं भौतिकता से संपन्न हम हैं, परंतु भौतिकवादी युग में मन हमारा कमज़ोर हो गया है। एकमात्र राजयोग वो आधार है जो मन को शक्तिशाली बनाता है, मन को बल प्रदान कहा जा करता है, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता। राजयोग अर्थात ऐसा सहज योग, साधारणता से हम समझें अगर योग का अर्थ ही होता है योग अर्थात मिलन, योग अर्थात जोड़ना। सिंपल भाषा में कहते भी है ना, दो और दो का योग कर दीजिए, है ना? मैथ में भी कहा जाता है ना, योग माना जोड़। अगर हम आपको कहें कि चलिए परमात्मा के साथ योग कीजिए, आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब परमात्मा को याद करने की बात आती है तो सारा कुछ याद आ जाता है, केवल परमात्मा याद नहीं आता। और अगर हम आपको पूछें कि आपको योग लगाना आता है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं आप लोगों को योग लगाना आता है, जिनको आता है वो हाथ उठाएंगे? वेरी गुड, अच्छा, थैंक यू। जिनको नहीं आता है वो हाथ उठाएंगे? नहीं वाले ज़्यादा हैं, थैंक यू। और अगर अब हम ये कहें कि योग लगाना तो सबको आता है, परंतु
परमात्मा के साथ नहीं आता, बाकी सबके साथ आता है। अगर आपको कहा जाए अभी 5 मिनट के लिए आप अपने इन 2 साल में जिन जिन के केसेस आपने किए हैं, प्रॉब्लम जिनकी सोल्व की है, उनके साथ योग लगाइए, उनको याद कीजिए, आपको देर लगेगी? देर लगेगी? नहीं लगेगी ना, उन्हें याद कर लेंगे ना। आपको कहा जाए आप अपने सबसे अच्छे मित्र को 10 मिनट के लिए याद कीजिए, आपको देर लगेगी? नहीं लगेगी। आपको कहा जाए आपके पड़ोस में जो सबसे खराब व्यक्ति है, 10 मिनट आप उसके साथ योग कीजिए, उसको याद कीजिए, आपको देर लगेगी? नहीं लगेगी। सबका योग लग जाएगा। अच्छा, और अगर अब आपको ये कहा जाए कि जिसको आप बाल अवस्था से कहते आए, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, उनके साथ योग लगाइए, तो मुश्किल लगेगी? क्यों क्यों हमें मुश्किल लगता है? आज हम इस पहेली का हल इस सत्र के माध्यम से करेंगे। राजयोग में 4 बातें आपको बताना चाहेंगे। पहली बात, जब हमें किसी को याद करना होता है तो उसके आधार क्या होते हैं? हमारी स्मृति, क्योंकि याद मन की गति है, मन की विचार दशा है। हम किसको याद करते हैं? पहली बात, जिसका हमें परिचय होता है ना, जिसका परिचय होगा हम उसको याद करेंगे। कहा भी जाता, माला फेरत युग हुआ, गया न मन का फेर, हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर। माला स्मरण करते करते, मूर्तियों के आगे वंदना करते करते युग बीत गए। हम मंदिर में जाएंगे, हमें पता है मंदिर में जाना है, हाथ जोड़ने हैं, एक आरती, एक भजन, जो भी हमने सीखा है वो पढ़ना है, और उसके बाद हम समझते हैं हमारी पूजा पूरी हो गई। ठीक विधि है? ठीक विधि है? नहीं, पर कर तो मैं सही रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें परिचय नहीं है। साधना में 2 चीज़ें होती हैं, एक साधक एक साध्य। हम योग लगाना चाहते हैं, एक योग लगाने वाला है, एक वो शक्ति है जिससे हमें योग लगाना है। पिछले 2 लेसन में आपने समझा जिसको योग लगाना है वो कौन है, जिसके साथ योग लगाना है वो कौन है। तो परिचय की जो घड़ी है वो आपने सीखी, मुझे किसको याद करना है और मैं स्वयं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने बुद्धि का संबंध अपने उस पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। अब मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, हमें ये याद रखना है। माला स्मरण करने से, सिर्फ मंत्रों को रटने से हमारे जीवन में परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। मंत्र का क्या मतलब है? शास्त्रों में बताया गया, मंत्र अर्थात मंत्रणा। जैसे आपने देखा होगा,
राजाओं के राज दरबार में मंत्री हुआ करते हैं। राजा को जब कोई राय लेनी होती है तो मंत्री राजा को राय देते हैं। उसी अनुसार हमारी आंतरिक कर्मेंद्रियों की भी एक दरबार है। कर्मेंद्रियां मंत्री हैं, आत्मा राजा है। आज राजा का जो शासन है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। राजा की नहीं चलती, कर्मेंद्रियों की चलती है, मंत्रियों की चलती है। राजा कहेगा ये होना चाहिए, होता कुछ का कुछ है। होता है ना ऐसे, कई बार हम अपने मन की शिकायत स्वयं से करते हैं। हम करना नहीं चाहते थे ऐसा, परंतु हमसे ऐसा हो गया। हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, परंतु हमारे मुख से ऐसा निकल गया। कहने का भाव, आत्मा राजा का शासन सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है। तो एक मंत्र दिया जाता है, मंत्र अर्थात मंत्रणा, एक राय, एक विचार। आप किसी महा सिद्ध पुरुष के पास जाएंगे तो एक एक महामंत्र दिया जाएगा कि ये मंत्र है, जब आपका मन अशांत हो, परेशान हो, कोई परिस्थिति हो, आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपका मन स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। परंतु आप ये सोचिए, प्रॉब्लम आए, मैं मंत्र का स्मरण करूँ, प्रॉब्लम चली जाए, तो ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। होना चाहिए कि प्रॉब्लम आए ही नहीं, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए। एक बहुत सुंदर गीत ब्रह्मा कुमारी परिवार में है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। अगर उस गीत की एक लाइन हमारी बुद्धि में रहे तो वो गीत हमारे लिए महामंत्र का काम करेगा। परमात्मा कहते हैं, आप मुझसे फरियादें मत करो, शिकायत मत करो। उस गीत में बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये है बुद्धि योग। हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, कंडीशन को बड़ा कर देते हैं। परमात्मा कहता है, आप सोचो आप कौन हो। इस सृष्टि पर सर्वशक्तिवान की संतान, आप शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्मा हो। संसार की कोई भी परिस्थिति आपसे बड़ी कैसे हो सकती है। तो जहाँ ये परिचय की कमी आई, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, वही हमारे जीवन में तनाव, चिंता, भय, अशांति, अनेक प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले मेडिकल साइंस ने सर्वे किया, उसमें भी पाया गया 80% जो बीमारियां हैं वो सब मानसिक रूप से उत्पन्न होती है। फिजिकल प्रॉब्लम केवल 20% है। आज शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन हमारी मानसिक स्थिति से है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, हमेशा हमें क्या करना है, भजन का मतलब क्या है, कीर्तन का मतलब क्या है। भजन में, कीर्तन में हम क्या करते हैं, जो देव आत्माएँ होकर गई हैं, महात्मा होकर गए हैं, इष्ट आत्माएँ होकर गई हैं,
हम उनका वर्णन करते हैं, माँ आप ऐसी हैं, श्री राम आप ऐसे हैं, श्री कृष्ण आप ऐसे हैं, वो बहुत अच्छा है। परंतु दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उन इष्ट देवी देवताओं की महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या उससे मेरी प्रोग्रेस हो रही है? हम स्वयं के लिए क्या कहते हैं मंदिर में, भगवान आप ऐसे हैं, माँ आप ऐसी हैं, और मैं कैसा हूँ? स्वयं के लिए कहते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो देवा। अब एक सेकंड आप विचार कीजिए कि अगर कोई आपके सामने रोज आपकी महिमा करे, आप दयावान हैं, हाँ आप रहम दिल हैं, आप बहुत प्यार देने वाले हैं, वो आपकी महिमा कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, तो आप तो ऐसे हैं ही ना, आपके आगे वो वर्णन करने से क्या होने वाला है? या वो आपको रिमाइंड करा रहे कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। अगर कोई रोज आपके सामने आकर बोले आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए, बताएंगे? कोई बताएगा? अगर कोई रोज़ आकर आपको बोले आप बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, आप बहुत नम्रचित हैं, आप बहुत व्यवहारिक हैं, आप क्या करेंगे? रोज़ वो एक ही बात आपके सामने बोले, क्या करेंगे जी? बोलेंगे मैं तो हूँ ऐसा, मुझे क्यों याद दिलाते हो ऐसे कि मैं तो ऐसा हूँ, पर आप खुद कैसे हो, खुद को भी तो देखो। क्योंकि भजन में जो चीज़ हम, भजन का मतलब कि मेरा मन स्मरण करता है, कीर्तन मतलब उन कीर्तियों का गायन करता है, परमात्मा हमें दूसरी बात कहते, परिचय के साथ साथ हमें संबंध भी चाहिए। परिचय तो आपको मिल गया, आप कौन हैं, आप किसके हैं, लेकिन आप देखेंगे आप बचपन से कहते आ रहे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु ये लाइन जब तक हम मंदिर में प्रतिमा के सामने तब तक याद है, और सीढ़ी से नीचे उतरे तो सोच बदली, जीवन बदल गया, है ना? एक हंसी की बात अभी मुझे याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि थी, तो हमने शिव मंदिर में कैंप लगाया हुआ था, हम शिव मंदिर में गए तो एक बहन बड़ी भक्ति भाव से प्रार्थना कर रही थी और परमात्मा को कह रही थी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, भगवान सब आपका दिया हुआ है, ऐसे बोल बोल के वो बहन महिमा कर रही थी। शॉर्ट में मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ये बात। पूजा पूरी हुई, वो बहन भी बाहर आई मंदिर से, हम भी बाहर आए मंदिर से, तो जब मंदिर से बाहर आए तो देखा वो बहन की जो चप्पल थी वो मिली नहीं, गायब हो गई। और उस बहन के एकदम विचार आया, मैंने चप्पल यहाँ निकाली और अभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई? और उस आया, मेरी चप्पल चोरी हो गई, मेरी चप्पल मिली थी चुराने के लिए, बोलना शुरू कर दिया किसने चुराई, ये हो वो हो। उस बहन को हम देख रहे थे, मैंने कहा जब वो ज़्यादा शांत हो गई तो पूछा क्या हो गया बहन, कहते क्या हो गया, लोग आते क्यों हैं मंदिर में? मैं तो, मेरी चप्पल चोरी हो गई, मेरी चप्पल मिली थी चुराने के लिए, किसी और की चुरा लेते, मेरी पाई थी, मैंने अभी इतनी महंगी चप्पल खरीदी, मेरी चुरा के ले गया कोई। तो मैंने मुस्कुरा के बहन को कहा, बहन अभी तो आपने मंदिर में बोला था, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो ज़्यादा थोड़ी चप्पल ही तो गई है, इतनी खराब स्थिति क्यों?
आप तो तन भी सौंप पाए हो, मन भी सौंप पाए हो, संपूर्ण जीवन की पूंजी धन भी अभी परमात्मा को अर्पण कर रहे थे, अभी क्या हो गया? तो बोलते ऐसे तो सब बोलते देता कौन है, तो मैंने कहा भगवान को भी बहकाते हैं क्या, है ना, हम भगवान को भी बहका रहे हैं। तो हंस के कहा बहन आप हमारी चप्पल पहन जाओ, मगर अपनी स्थिति तो खराब मत करो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद घर जाएंगे चप्पल दूसरी मिल जाएगी, लेकिन आपने जो पूजा करके शक्ति प्राप्त की, खुशी प्राप्त की, शांति प्राप्त की, वो कहाँ से मिलेंगी? वो तो नहीं मिल सकती ना। आप दो दिन तीन दिन डिस्टर्ब रहोगे, मेरी चप्पल गई, मेरी चप्पल गई। चप्पल क्या मायने रखती है आपकी खुशी के आगे? आप प्रभु की प्याज में प्रेम में नंगे पर घर चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए हम डायरेक्ट उस चेतन परमात्मा से बुद्धि योग लगाएं, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसा कि अभी कहा भी हमने, श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहा गया। श्री कृष्ण ने भी परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग लगाया। आपने देखा होगा रामायण में भी, जब श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, जैसा कि रामायण में दिखाया है, तो उनको भी कहा गया कि रावण बहुत बलशाली है, उसने भी शिवाराधना की है, और अगर तुम्हें उसके ऊपर विजय पानी है तो तुम्हें भी शिव से वरदान प्राप्त करने होंगे। और श्री राम ने भी शिव की आराधना की और वरदान प्राप्त करके जीवन में सफलता प्राप्त की। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें अपना बुद्धि का योग कहाँ लगाना है। प्रतिमाओं में नहीं, माला में नहीं, मंत्रों में नहीं, बल्कि उस परम शक्ति परमात्मा के साथ अपना संबंध सिर्फ वर्णन नहीं करना है, अपितु उस संबंध को स्थापित करना है। क्योंकि जब तक हम उस संबंध को स्थापित नहीं करेंगे, तो हमें परमात्मा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ये धर्मात्मा है, ये महात्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये देव आत्मा है। मनुष्य आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है वैसा वैसा उसको कहा जाता है। जिन्होंने दिव्य कर्म करे उनको देवात्मा कहा गया, देवता कहा गया। जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन्हें महात्मा कहा जाता है। आप सबको ज्ञात हो अगर कि गांधी जी का नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी जी था, परंतु उन्हें आज महात्मा गांधी कहते हैं। पता है क्यों? आप लोगों को पता है महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी क्यों कहते हैं? महात्मा गांधी जी की स्टोरी में बताया गया है, एक बार महात्मा गांधी जी सफ़र कर रहे थे तो एक ब्रिटिश उनके सामने बैठे थे, और वो सुना हुआ था उन्होंने भी कि महात्मा गांधी अहिंसा का पुजारी है, अहिंसा परम धर्म का महामंत्र सबको देते हैं। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अहिंसा का पुजारी हो, उसको गुस्सा भी ना आए, हो ही नहीं सकता। तो कहा चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि उनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो महात्मा गांधी को वो ट्राई करने लगे, तो गांधी जी कुछ लिख रहे थे और किसी काम से वो थोड़ा उठ के गए, और जो वो लिख रहे थे वो पेपर एक पिन से पिनअप करके अपने स्थान पर रख कर चले गए। और वो व्यक्ति बहुत देर से महात्मा गांधी को देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो सारे पेपर फाड़ दिए और वहाँ वापस रख के चला गया। गांधी जी जब आए उन्होंने देखा कि इतनी देर से मैं जो वर्क कर रहा था सब खराब हो गया। उन्होंने उस पेपर में से वो पिन निकाला, अपनी जेब में रखा, और वो जो पेपर थे जाके डस्टबिन में डाले और दोबारा से लिखना शुरू कर दिया। उसको बड़ा लगा कि इसने तो अभी गुस्सा नहीं किया। ऐसे वो देखता रहा। स्टोरी लंबी लेकिन शॉर्ट में आपको मैं सुनाना चाह रही हूँ।
स्टेशन आया वो उतरे और लोग जब गांधी जी का वेलकम करने लगे, गांधी जी के नाम के नारे लगाने लगे, तो वो व्यक्ति सबसे आगे आ गया और कहने लगा, आप जिसका वेलकम कर रहे हो ये गांधी नहीं है। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि मतलब हमें नहीं मालूम है कि ये गांधी है या नहीं, अब ये हमें बताएगा कि गांधी है कि नहीं है, कि गांधी ही है। कहा नहीं, ये गांधी नहीं है। तो किसी ने कहा तो बताओ ये कौन है, कि गांधी नहीं, ये तो महात्मा गांधी है, कि ये व्यक्ति महात्मा है, गांधी नहीं है, महात्मा गांधी है। उस दिन से गांधी जी का नाम महात्मा गांधी पड़ा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ पूजन वंदन गायन नहीं करना है, अपितु हमें हमारे कर्मों को पूजनीय वंदनीय गायन योग्य बनाना है। और वो सिर्फ संबंधों को वर्णन करने से नहीं, उस संबंध की अनुभूति परमात्मा के साथ करने से बनेगी। क्योंकि हमें परमात्मा को ना सिर्फ पुकारना है, ना सिर्फ उससे मांगना है, ना उससे केवल विनती करनी है, अपितु हमें उसको प्रेम से याद करना है, स्वतः प्राप्ति की अनुभूति करनी है। क्योंकि याद के तीन आधार होते हैं। एक वो याद होती है जो स्वार्थ वाली याद कही जाती है ना। नंबर वन स्वार्थ वाली याद होती है कि वो स्वार्थ का बीज मन में आता है और वो याद उत्पन्न होती है। आजकल जो हम लोग संबंधों की याद कहते हैं ना, वो भी स्वार्थ वाली है। आप सब अनुभवी हैं, आप देखते भी हैं कि आपके यहाँ कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं इसी चीज़ का परिणाम है। क्योंकि आज संबंधों की बुनियाद इसने प्रेम विश्वास पर नहीं टिकी हुई, किस पर टिकी है? स्वार्थ पर। स्वार्थ पूरा है तो संबंध है, स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो रिजल्ट आप सबके सामने है ना। ये पहली याद स्वार्थ वाली। स्वार्थ होता है तो याद होती है, स्वार्थ नहीं होता है तो याद नहीं होती है। आज किसी ने मेरा अच्छा किया तो मुझे वो व्यक्ति हमेशा याद आएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर उसने मुझे मदद नहीं की तो फिर वो याद मेरी सताने वाली याद में बदल जाएगी, दुख में बदल जाएगी। जो याद आज तक मुझे सुख दे रही थी, कल वही याद मुझे दुख देने लगेगी, है ना। ये दूसरी याद हुई, स्वार्थ वाली याद, सताने वाली याद। परंतु तीसरी जो याद है वो है समाने वाली याद, सताने वाली नहीं। दैहिक संबंधों की, वस्तुओं की, वैभवों की स्मृति हमें दुख देती है, आज सुख देगी तो कल दुख दे देगी। परमात्मा की स्मृति हमें चिराकाल सदाकाल सुख प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। एक बहुत सुंदर अनुभव इसके ऊपर मुझे याद आता है। एक बार एक राजा था, तो बादशाह ने कहा आज मैं खुदा से अपनी जनता के लिए फरियाद करूंगा, इसलिए जो मस्जिद है उसके सामने गलीचा बिछाया जाए, चारों तरफ सब खड़े होंगे और सबके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा कि मेरे राज्य में सुख चैन अमन शांति हो। इस विचार से बादशाह अपने घर से निकला, मस्जिद के सामने बहुत सुंदर गलीचा बिछाया गया। और एक नियम होता है कि जो गलीचा खुदा की इबादत के लिए बिछाया जाता है ना, उसे कोई क्रॉस नहीं करता, उसके ऊपर से कोई गुजरता नहीं, ये अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। चारों तरफ लोग खड़े थे, बादशाह आया और इबादत में बैठा। इतने में क्या हुआ, इस साइड एक माँ खड़ी थी, दूसरी साइड उसका बच्चा खड़ा था। माँ को विचार आया, इतनी भीड़ में
मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो माँ को सिर्फ बच्चा दिखाई दे रहा था, वो माँ दौड़ी अपने बच्चे को संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और जैसे ही वहाँ से गुजरी, बच्चे को उसने उठाने की कोशिश की, तो इतने में बादशाह ने देखा कि मैंने कहा था मैं इबादत के लिए बैठा हूँ, फिर भी मेरे इस गलीचे को किसी ने क्रॉस कर दिया। तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया कि किसने ये गुस्ताखी की, उसको अभी के अभी गिरफ्तार करो, पकड़ो, क्यों ये किया? मैं आप सबके लिए दुआ करने बैठा था और तो भी यहाँ से क्रॉस किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको पकड़ा गया, बादशाह के सामने लाया गया और कहा गया तुमने बहुत खराब काम किया है, खुदा की इबादत में विघ्न डाला है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। तो उस माँ ने कहा ठीक है राजा, अब बादशाह हो, जो मर्जी आप मुझे सजा दे दो, मुझे कोई भय नहीं है। तो राजा कहते तुम्हें डर नहीं है सजा का? तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है आपकी सजा का। कि क्यों? कि मेरा प्यार सच्चा था और तेरा प्यार झूठा था बादशाह, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं। तो बादशाह को और क्रोध आया कि तेरा प्यार किससे था? कि मेरा प्यार मेरे बच्चे से था, मैं उसको मदद करने के लिए गई और मुझे मेरे बच्चा ही दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था कि कहीं भीड़ में मेरा बच्चा गुम ना हो जाए, चोट ना आ जाए, गिर ना जाए, मुझे उसको संभालना है, पकड़ना है, तो मेरे को तुम दिखाई नहीं दिए, मैंने बाकी बच्चे को पकड़ा। तो राजा ने कहा तो तुमने कैसे कह दिया कि मेरा प्यार झूठा है? तो वो माँ मुस्कुराई और उसने कहा बादशाह मैं तो केवल अपने बच्चे के प्यार में खोई थी, मुझे तुम दिखाई नहीं दिए, मगर तुम तो खुदा के प्यार में, उसकी इबादत में डूबे थे, तुम्हें मैं कैसे दिखाई दे गई? इसलिए मेरा प्यार सच्चा है, तुम्हारा प्यार झूठा है। आज हम क्या करते हैं, हम अपनी याचनाओं को, इच्छाओं को भक्ति का नाम देते हैं। हम मंदिर में भी जाएंगे तो क्या कहेंगे परमात्मा को? भगवान आप मेरा ये काम करा दीजिए, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, है ना? गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर वर्णन है, गुरु नानक जी ने बताया कि एक बार एक बंदा बहुत ऊंचे झाड़ पर चढ़ गया और नीचे नहीं उतर पा रहा था। तो चढ़ तो गया, खजूर का पेड़ था बहुत बड़ा, खजूर दिखाई दे रहे थे, खजूर खा लिए, तोड़ के अब नीचे उतरा तो उसको भय हुआ, मैं गिर गया तो, मुझे चोट आ गई तो क्या करूं? तो उसने कहा हे खुदा परवरदिगार, हे मालिक, मुझे नीचे उतरने में मदद करो, मैं तुम्हें 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। थोड़ी हिम्मत आई, आधा नीचे आ गया, तो कहने लगा भगवान देखा तुमने मैंने कितनी हिम्मत की, आधा नीचे आ गया हूँ, अब तो आधा ही बचा है, इतनी मदद तो आप कर सकते हो ना, 51 रुपए का तो मैं अब भी चढ़ा दूंगा। थोड़ा और नीचे आया और जितना जितना नीचे आया उतना उतना प्रसाद की रकम भी कम होती चली गई, 51 से 21, 21 से 11, 11 से 5, 5 पे जब वो सवा पे आ गया और थोड़ा सा रह गया, तो उसने कहा भगवान आप कैसे हो, कितने कठोर हो, इतनी मेहनत मैंने कर ली, आप इतना भी नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना तो उतारने में मेरी मदद करो, 125 रुपये का प्रसाद तो मैं अब भी चढ़ा दूंगा। तो देखा इतने में जोर जोर से आंधी आने लगी, पेड़ हिला और वो नीचे गिर गया। खड़ा हुआ, अपने कपड़े को झाड़ा, ऊपर देखा और बहुत प्यार से कहा भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं खाना कोई बात नहीं, पर धक्का भी तो नहीं मारो। आज कुछ भी अच्छा होता है, क्रेडिट हम स्वयं को देते हैं, उसको भूल जाते हैं कि वो हजार मुसीबतों में जब मेरे जीवन की नाव समस्याओं में डूबने को होती है,
तो वो कुशल मांझी मेरा हाथ पकड़कर हजार तूफानों से बाहर निकाल लाता है और मैं कहती हूँ, देखा मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, इतनी कठिन समस्याओं का समाधान मैंने ऐसे कर लिया। हम उसकी मदद को भूल जाते हैं। यहाँ यही सिखाया जाता है, योग मीनिंग कनेक्शन, कनेक्शन कम्युनिकेशन दो चीज़ें हैं। हमें कनेक्ट होना है किसके साथ? आप देखेंगे जब एक लाइट, आप सब अनुभवी हैं, अभी आप सबके पास एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल सबके पास होगा। अगर आपसे कहा जाए आप सब 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल की बैटरी निकाल दीजिए, क्या मन में आएगा सबके? क्या मन में आएगा सबके? ऐसे कैसे बैटरी निकाल दी और कोई हमें कनेक्शन करने की कोशिश करने लगा तो कैसे करेगा? कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बैटरी निकली हुई होगी मोबाइल की। बैटरी मोबाइल में है, मोबाइल ऑन है, तभी तो कनेक्शन कर पाएगा ना कोई हमसे, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। तो कनेक्ट करने के लिए बैटरी आधार है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि पावर हाउस से सप्लाई होती है। ऐसे अगर केवल वायर जोड़ दिए जाए तो सप्लाई होगी? उसकी भी प्रोसेसर है। पावर हाउस से तार कनेक्ट किया जाता है और जहाँ लाइट चाहिए वहाँ उस तार को जोड़ा जाता है। और उसकी भी विधि है कि उस तार के ऊपर जो रबड़ होती है ना, उसको उतारा जाता है। आप देखेंगे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, किसी भी पवित्र स्थान में प्रवेश करते समय हम अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं। क्यों? क्यों? हमारे पास में एक जगह है हसनापुर, तो वहाँ एक जैन तीर्थ स्थान बना हुआ है बहुत अच्छा। एक दिन वहाँ गए हम, तो वहाँ जो भाई खड़े थे उन्होंने कहा, दीदी आप अपने जूते चप्पल यहाँ उतार दीजिए और लेदर की कोई चीज़ है अगर आपके पास, पर्स कोई भी, भाइयों के पास बेल्ट पर्स कुछ भी, तो यहाँ जमा करा दीजिए, क्योंकि लेदर की कोई भी चीज़ लेकर अंदर प्रवेश करना वर्जित है। तो हम खड़े हो गए साइड में, वो भाई ने कहा चलो दीदी आप आइए ना अंदर। तो हंस के उस भाई को हमने कहा, भाई आपके नियम के अनुसार तो अंदर नहीं जा सकते ना। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा जूते चप्पल बाहर उतार सकते हैं, चमड़े का पर्स यहाँ छोड़ सकते हैं, मगर ये बॉडी भी तो चमड़ा है, इसको लेके मंदिर में जाएंगे तो नियम खत्म हो जाएगा ना, चमड़ा लेकर जाना वर्जित है। तो वो मुस्कराने लगा, कहते हैं आपसे सीखना पड़ेगा, आप अंदर आ जाइए, आपको जो सिखाना है आप सिखाइए। कहने का भाव, हम ध्यान देते हैं, मंदिर में प्रवेश करना है, जूते चप्पल बाहर छोड़ने हैं, हमें परमात्मा को याद करना है। कहाँ याद करना है? राज्यों का आधार क्या है, विधि क्या है? जैसे एक बच्चे को पता होता है मैं कौन हूँ, और उसको पूछते हैं किसके हो, तो वो कहेगा मैं इनका हूँ। अभी कहा ना, संबंध का पता है, परिचय है, संबंध है, तो स्नेह है, और स्नेह है तब तो प्राप्ति है ना। तो जैसे एक बच्चे को पता है कि मैं इनका बच्चा हूँ, वैसे आत्मा को पता होना चाहिए मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा रचता है, कौन मुझे चला रहा है, कौन मेरा जीवन यापन करने में सबसे मददगार मेरा है। आप सामने देख रहे होंगे जैसे जीवन में संबंध बदलते हैं, संबंधों के साथ साथ हमारा स्नेह, हमारी स्मृति,
हमारे भाव बदलते रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है उसका टोटल बुद्धि योग एक माँ में होता है, वो माँ की खुशबू भी पहचानता है, माँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहता। परंतु जू जू वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका बुद्धि योग ट्रांसफ़र होता है, माँ से उसका बुद्धि योग ट्रांसफ़र दोस्तों में होने लगता है। फिर जिस माँ के पास से वो जाना नहीं चाहता, कोई और भी लेते तो बच्चा रोने लगता है, वही माँ जब उन दोस्तों के पास से बच्चे को बुलाती है तो वो आता नहीं है, नहीं अभी और 5 मिनट और 10 मिनट और कहता रहता है। फिर वही बच्चा जब और बड़ा होता है, पढ़ने लगता है, तो फिर उसका बुद्धि योग पढ़ाई में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वही मित्र कहेंगे आ जाओ थोड़ा खेले, तो कहेगा नहीं पढ़ाई, अभी मुझे अपनी लाइफ के लिए भी सोचना है, पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। फिर और बड़ा होता है तो उसका बुद्धि योग और संबंधों में और जिम्मेवारियों में ट्रांसफ़र। कहने का भाव, समय के साथ साथ हमारा बुद्धि योग बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का परमात्मा के साथ भी संबंध जुटता है। सहज और स्वतः हमें अपने बुद्धि का संबंध उस परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे मुझे अपने जीवन का एक अनुभव है, हम बहुत छोटे थे तो हमें ये लगता था कि हमारे जीवन की हर आवश्यकता, हर छोटी बड़ी कमी हमारे माँ बाप पूरी करेंगे। तो एक दिन हमारी माँ ने बहुत प्यार से बुलाया और कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए ना तो तुम हमें मत कहा करो, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आप प्यार से परमात्मा को कहा करो हमें ये चाहिए, क्योंकि हमें भी तो वो देता है ना, जब वो हमें देगा तब तो हम तुम्हें देंगे, तुम जिद करना शुरू कर दो चाहिए 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 हम कहाँ से देंगे। तो मैंने कहा अच्छा आपको भी देने वाला कोई और है क्या, जैसे आपने वो कहानी भी सुनी होगी ना, एक भिक्षुक राजा के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, तो दरबारी ने कहा राजा प्रार्थना कर रहे हैं बिजी हैं, तो उसने फिर याचना की, राजा फिर व्यस्त निकले, तो उसने राजमहल की दीवार से झांक कर देखा राजा कहाँ व्यस्त है, तो देखा राजा दोनों हाथ फैलाकर ऊपर वाले से मांग रहा था। ये देखकर भिखारी चला गया और राजा ने पूछा कोई आया था, तो कहा एक भिखारी आया था, बहुत प्रतीक्षा की और चला गया, तो कह रहे उसको बुलाओ, वो खाली हाथ क्यों चला गया, मैं उसको कुछ दूंगा, वापस बुलाओ। जब दरबारी वापस बुलाने गए तो भिक्षुक ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा अभी, मुझे अभी आवश्यकता नहीं रही आने की। उन्होंने राजा को जब बताया तो राजा को लगा कि भिक्षुक खाली हाथ गया है, ये ठीक नहीं है, चलो मैं वहीं जाकर भिक्षुक को देता हूँ उसको जो चाहिए। और जब राजा गया और भिक्षुक को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भिक्षुक मुस्कुरा के कहने लगा तुम तो खुद भिखारी हो तो मुझे क्या दोगे, जिससे तुम मांगते हो मैं उसे ना मांगूं, जो तुम्हें भी देने वाला है मैं डायरेक्ट उससे मांगूंगा। परमात्मा कहते हैं आप भिक्षुक बनकर मेरे पास नहीं आओ, हे भगवान थोड़ी सी शांति दे दो ना, थोड़ा सा प्यार दे दो ना, इसको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो ना, ये थोड़ा ठीक कर दो ना। भगवान कहते हैं मैं तो शांति का सागर हूँ, असीम शांति ले लो थोड़ी सी क्यों, और अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी ले लो। लेना और देना सबसे सहज योग है। आपका पिता है, दाता है, आपके लिए बैठा है, आप लीजिए औरों को दीजिए। क्योंकि कहा जाता है लेने की विधि देना है, आज उल्टा हो गया है, हम लेना चाहते हैं, है ना, कोई बहुत परेशान होते हैं ना तो कहते चलो आज थोड़ा यहाँ घूमाते हैं मन चेंज हो जाएगा, लेकिन देखते कंडीशन
जाने से और बिगड़ जाती है। हाँ, जैसे अभी एक एग्जांपल कि अभी थोड़े दिन पहले गंगा स्नान था, तो आश्रम पर एक बुजुर्ग बाबूजी आए, लगभग 80-90 वर्ष आयु उनकी थी, मस्तक पर बहुत बड़े बड़े तिलक लगे हुए थे। तो मैंने बाबूजी को पूछा, बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? तो कहा, आज गंगा स्नान था, मैं गंगा जी गया था और गंगा स्नान करके लौट रहा हूँ। तो मैंने ऐसे हंसकर कहा, मुस्कुराकर बाबूजी को पूछा, बाबूजी आज तो आपके सारे पाप कट गए होंगे, आप पाप मुक्त बन गए होंगे, आज तो गंगा माँ ने आपके सारे पाप ले लिए होंगे। तो बाबूजी मुस्कुराने लगे और हंसने लगे और हंसकर बोले, पता नहीं दीदी, पाप कटे या नहीं कटे, पर मेरी जेब जरूर कट गई आज तो वहाँ जाकर। हम जिस लक्ष्य से जा रहे हैं, जाते पाप काटने हैं, होता क्या है? कहने का भाव, योग क्या है? योग अर्थात ईश्वर की याद, योग अर्थात हमारे मन की वो श्रेष्ठ स्थिति, योग अर्थात वो संबंध की अनुभूति जो संसार में सबसे सर्वोपरि संबंध है। उसका बहुत सुंदर मिसाल आपने शास्त्रों में देखा, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया, महाभारत में वो दृश्य दर्शाया गया है योग का। बहुत सुंदर मिसाल है, आपको सहज समझ में आएगा, आप सबका समझा हुआ है, इसलिए वो एग्जांपल योग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब द्रौपदी को महाभारत की वक्तव्य के अनुसार जो बताया जाता है, सभा में बुलाया गया, तो द्रौपदी ने आने से इनकार किया और कहा नहीं, और उनको जबरदस्ती जब सभा में ले जाया जाने लगा, तो द्रौपदी ने कहा, उस सभा में मेरे बलशाली 5-5 पति हैं, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, आचार्य है, भीष्म पितामह जैसे वहाँ विद्वान होंगे, मैं इस घराने की बेटी हूँ, इस कुल की पुत्रवधु हूँ, मेरा कुछ कैसे अहित हो सकता है? आप सबने देखा होगा, बहुत लंबा वृत्तांत दिखाया है महाभारत में। परंतु फिर भी उनके साथ जो अपमान की स्थिति हुई, वो भी आप सब जानकारी में रखते हैं। सब बैठे थे, फिर भी द्रौपदी का अपमान जब हुआ, तब द्रौपदी ने अपनी एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग किया, अपने मन बुद्धि को एकाग्र किया और अपना बुद्धि योग उस शक्ति के साथ किया, और उसका परिणाम देखा कि उसको संपूर्ण मदद वहाँ प्राप्त हुई। देखा है आप सबने ये दृश्य? आप क्या समझते हो, ये दृश्य यह पूरा हो गया? नहीं, इसके आगे एक और सुंदर छोटा सा दृश्य है, शायद आप लोगों को याद हो। अगर जब ये दृश्य यहाँ पूरा हुआ, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक उल्हाना दिया, सुना था आप सबने? द्रौपदी श्री कृष्ण को प्यार से कहती है, संबंध से कहती है कि आपको मेरी मदद तो करनी थी, तो इतना अपमान होने के बाद क्यों? इतना अपमान तो मुझे सहना पड़ा ना, आपने मेरी मदद पहले क्यों नहीं की? तब श्री कृष्ण बहुत सुंदर जवाब देते हैं, हे द्रौपदी, तुमने मुझे पहले याद भी कब किया था? तुम्हारी बुद्धि 5 बलशाली पतियों में थी, अर्थात दैहिक संबंधों में थी, तुम्हारी बुद्धि गुरु में थी, तुम्हारी बुद्धि पदार्थों में, वैभवों में, राजाओं में थी, मेरे में नहीं थी। और जब तुमने सबसे बुद्धि योग निकालकर मुझ एक संबंधी के साथ संबंध जोड़ा,
तो मैंने तुम्हें मदद दी। एग्जाम्पल सुनाने का भाव सिर्फ इतना है कि हम समझ सकते हैं योग का मतलब क्या है। योग का मतलब होता है मिलन। जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना। और भगवान को तो हाथ है नहीं, क्योंकि भगवान की महिमा आपने परमात्मा के परिचय में भी सुनी होगी, वो अजन्मा है, अमूर्त है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अयोनी है। तो उससे कैसे मिलन मनाएंगे, सोचे कैसे मिलन मनाएंगे। हम देहधारी, हम सबको इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ मिली हैं, किसी को 800, किसी को i10, किसी को कोई लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब आपकी गाड़ियाँ ही तो हैं। और परमात्मा तो निराकार है, निराकार और साकार में का मतलब हम साकारी हैं, वो निराकार है। हमें ये कार मिली है, उसको नहीं मिली है, कैसे संबंध जुड़ेगा, कैसे मिलन हो। तो आपको बताया संबंध, और संबंध के लिए भी चाहिए तीसरी चीज। परिचय तो आपको मिल गया, संबंध भी आपका जुट गया, परिचय संबंध के साथ साथ तीसरी चीज होती है स्नेह, स्मृति। आपको बहुत लोगों का परिचय होता है, बहुत लोगों के साथ आपका संबंध जुड़ा होता है, पर ज़रूरी नहीं कि आप सबको याद रखते हो। ज़रूरत पर जिसकी याद आती है उसको आप याद करते हो। समझो आपको घर में कुछ काम कराना है, टीवी ख़राब हो गया, टीवी वाले का नंबर कितने सालों से आपके मोबाइल में पड़ा होगा, मगर वो डायल कब होगा, जब टीवी ख़राब होगा, याद ही नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ी याद करा, कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, नंबर मिलाया। स्मृति चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज प्रेम। प्रेम जीवन का आधार है। प्रेम बहुत खूबसूरत एक कल्पना है, इसीलिए परमात्मा को भी कहा जाता, परमात्मा गॉड इज ओशन ऑफ लव, परमात्मा प्रेम का सागर है। और हम कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और वो कहते हैं एक बूंद क्यों, मैं सारा आपके लिए हूँ, आप जितना चाहो मेरे से अपने उस संबंध को जोड़कर, अपनी श्रेष्ठ स्मृति के माध्यम से अपने जीवन में उस प्रेम की अनुभूति कर सकते हो, जैसा कि मीराबाई को दिखाया है, कितना सुंदर प्रेम दिखाया है। कहा जाता जब मीराबाई को विष दिया गया पीने के लिए तो सब घबरा गए, सब डरने लगे कि नहीं नहीं मीरा, आप ये नहीं सेवन करना, ये विष है। सब मना कर रहे थे, सबको उस प्याली में विष दिखाई दे रहा था, केवल एक मीराबाई ऐसी थी कि उसने कहा नहीं, ये विष नहीं है, इसमें तो मेरे कान्हा की प्रतिमा है, मेरा कान्हा है। और उस एक विश्वास ने, उस प्रीत ने उस विष को अमृत बना दिया। ये है प्रेम की ताकत। जब प्रेम की ताकत आती है जीवन में, तब समर्पण आता है। आप ऐसे ही समर्पण नहीं आ सकता, आप सोचो मैं ऐसे ही समर्पित हो जाए, नहीं, ये प्रोसेसर है। परिचय होगा, संबंध जुटेगा, और मन में वो श्रेष्ठ विचार आएंगे, तब वो अंदर से प्रेम उमड़ेगा और तब वो समर्पण भाव होगा। तो आप सोचो राजयोग कितना आसान है, अब आप सोच के बताइए आसान है या मुश्किल। मुश्किल, अब किसको मुश्किल लग रहा है हाथ उठाएंगे, आसान है, आसान है। इसका मतलब आप सब कर्मयोगी बन गए, श्रेष्ठ योगी बन गए, जो ये समझते हैं कि आप इस सत्र में इतनी देर में कर्मयोगी बन गए, श्रेष्ठ योगी बन गए,
वो अपने लिए ताली बजा ले, अपने लिए बजा ले। मतलब अभी और थोड़ा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाज़ ताली की थोड़ी कम थी, पूरे नहीं बने हैं। अच्छा, बन गए हैं। अपने लिए तो तालियां बहुत अच्छी बजाई आप सबने, ये प्रूव करता है कि आप कितने अच्छे योगी बन गए हैं। क्योंकि राजयोग के साथ साथ प्रेम योग, कर्म योग, सहज योग कनेक्ट है। राजयोग हमें प्रेम योगी बनाता है, कर्म योगी बनाता है, सहज योगी बनाता है। आज आप परिवारों में देखेंगे प्रेम योग की तो कमी है, इसीलिए संबंध बनते बाद में टूटते पहले हैं। अभी हम उस दिन गए थे कोर्ट में, हमारे फादर एडीजीसी क्रिमिनल थे, अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनके पास एक हस्बैंड वाइफ आए और वो उनको बोल रहे थे कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमारा डिवोर्स करा दो। तो पूछा उनको फादर ने, कितना समय हुआ आपकी शादी को? तो बोले अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना। तो हमें भी हंसी आई, 1 महीना हुआ है और आप अलग होना चाहते हो, क्यों? क्या आपने अपनी ग्रह नहीं मिलवाए थे, पंडित को पत्र नहीं दिखाया था क्या? तो वो बहन हंस के कह रही थी कि पंडित जी ने तो 16 गुण मिलाए थे, परंतु इन 1 महीने में एक भी गुण हमारा नहीं मिलता है, तो क्या साथ रहकर करेंगे, इसलिए अलग होना अच्छा है। फादर ने कहा ठीक है, आप थोड़े दिन अपने घर में अलग अलग रहो, उसके बाद आना, क्योंकि प्रोसीजर, आप एप्लीकेशन दो, फिर ये, फिर वो, आप सब तो प्रोसीजर जानते हो, फिर आप अलग हो जाना। और उस बीच उनको कहा गया कि आप ब्रह्मा कुमारीज आश्रम में जाइए, वहाँ बहुत अच्छी जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है, क्योंकि अभी आप इस 1 महीने में बहुत स्ट्रेस में आ गए हो, तो थोड़ा स्ट्रेस तो फ्री कर लो ना अपना, ये चेहरा ही बदल गया है इस 1 महीने के अंदर दोनों का। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे, ये ऐसा है, ये 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 कहा, दोनों आप जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कहा ठीक है, दोनों ने जाना शुरू किया। वो अपने घर जाती थी आश्रम में, वो अपने यहाँ जाते थे आश्रम में। आप विश्वास कीजिए, थोड़े दिन के बाद दोनों आए और फादर को कहने लगे हमें साथ ही रहना है, क्योंकि हमने प्रेम योग सीख लिया है। ये है प्रेम योग। हम ईगो वाला योग करते हैं, इनमें ये कमी है, मेरे में तो ये है, क्योंकि हम अच्छाइयों को नहीं देखते, कमियों को देखते हैं। कितनी भी सफाई, अगर थोड़ी भी कमी है ना, कमी दिखाई देती है। प्रेम योगी बनने के लिए, कर्म योगी बनने के लिए हमें कमियों को देखने का चश्मा उतारना पड़ेगा, अच्छाइयों को देखने का चश्मा पहनना पड़ेगा। तो हम सभी कर्म योगी, राज योगी, सहज योगी बन जाएंगे। और जो पिता परमात्मा शक्तियों के दाता हैं, उनके साथ मेरा बुद्धि का कनेक्शन सहज जुट जाएगा। मुझे परमात्मा से मांगने की ज़रूरत नहीं, याचना करने की ज़रूरत नहीं, है ना? क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? आप सब अनुभवी है, स्कूल खुलते हैं, बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं, एडमिशन होना है, बुक्स आनी है, ड्रेस आनी है, ये आना है। माँ बाप चिंता करते हैं, फरवरी मार्च आते माँ बाप को चिंता होती है, बच्चों की ईयर चेंज होनी है, एडमिशन होनी है, ड्रेस आना है, किताबें आनी है, ये आना है। बच्चा तो इंजॉय करता है छुट्टियों में, और माँ बाप मेहनत करते हैं कि सेशन शुरू होगा और बच्चे के लिए ये इंतज़ाम चाहिए, नहीं? फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या हमें अपने उस पिता परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं? वो करेगा।
भरोसा उनको नहीं होता जो योग्य नहीं होते। पता नहीं, मैं तो माँ बाप की मानती नहीं हूँ, वो करेंगे भी या नहीं, देंगे भी या नहीं। जो योग्य होते हैं वो कहते माँ बाप देंगे, मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे। उनसे लेना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा से प्राप्ति करना जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए जब ईश्वर की याद हमें आती है तो जो संबंधियों की, वस्तुओं की, वैभवों की याद हमें जीवन में दुख, तनाव, चिंता, भय, अशांति देती है ना, तो परमात्मा में समाने वाली जो याद होती है वो सारी तकलीफों को समाप्त कर देती है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी और सभी धर्मों में भी बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझ एक को याद करो, एक को याद करो। पर हम क्या करते हैं, अनेकों में बुद्धि लगी रहती है। तो अभी क्या करेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि संबंध बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, समय पर यही तो काम आएगा। लेकिन अभी आप सबने देखा होगा कि अभी थोड़े समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सचेंज लाया, मनी को चेंज किया, पैसा चेंज हुआ। उस समय हमने देखा बहुत लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया था, और जिन लोगों ने जितना ज़्यादा पैसा जमा बैंकों में किया था वो उतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था वो उतने ज़्यादा खुश हो रहा था, है ना। और एक दूसरी बात और दिखाई दे रही थी कि जिनके पास बहुत पैसा था और जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था वो उनको ढूंढ रहे थे कि हमारा पैसा ले लो, हमारा ले लो। चेंज, समय, परिस्थिति एकदम चेंज होंगी। हम सोचें बुरा वक्त आएगा, परिस्थिति आएगी, तब भगवान को याद करेंगे, संभलना पड़ेगा, समय मौका नहीं देगा। परमात्मा शिव पिता यही सिखाते हैं, बहुत काल का अभ्यास जब होगा तब हम उस सिचुएशन में अपने आप को चला पाएंगे। और आप देख रहे हैं, आपने यहाँ सुना भी, सृष्टि का परिवर्तन समय चल रहा है, संधि काल चल रहा है। लोग कहते हैं अभी तो कलयुग बच्चा है, परमात्मा शिव वार्निंग दे रहे हैं, बच्चा नहीं है, थोड़ा बच्चा हुआ है। शब्दों का ही तो अंतर है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कुरान पाक में कहा गया है, नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हो गया, नुक्ता ऊपर गया तो खुदा हो गया, नुक्ता नीचे गया तो जुदा हो गया। शब्द का अंतर है। उसी प्रकार शिवपुराण में परमात्मा ने बताया, ये सर्कमस्टांसेस हैं, निशानियां हैं, कि ये कलयुग के अंतिम चरण की निशानियां हैं, जो आज मौजूदा हालात में हम सबको दिखाई दे रही है। और समझदारी यही कहती है कि समय को पहचान कर अपने संबंध उस शिव पिता परमात्मा के साथ हम जोड़ें, ताकि इस जन्म के साथ साथ हम सबका भविष्य भी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि एक सत्य है कि ये जीवन यात्रा पूरी करके हम सब मुसाफिरों को अपनी मुसाफरी पूरी करके जाना ही है ना। कहाँ जाना है, जा आज भी रहे हैं, लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, कहीं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, जाता नहीं है कोई
दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सभी यहाँ कपड़े बदल बदल के। अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अभी तो हम यहीं अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। क्योंकि मृत्यु की डेफिनेशन क्या है, लोग तो बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें शास्त्र लिखे हुए हैं मृत्यु को डिफाइन करने के लिए, पर पिता परमात्मा ने दो शब्दों में मृत्यु को डिफाइन किया कि मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु केवल दो शब्द हैं कि आपकी ड्रेस ये और आपका एड्रेस ये बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं बदलेगा। ये ड्रेस चेंज हो जाएंगी और एड्रेस चेंज हो जाएगा, आप यहाँ नहीं कहीं और जा बसे, कहीं और रहने लगे, है ना। ड्रेस एड्रेस ही चेंज होनी है सिर्फ। लेकिन अभी बात युग परिवर्तन की है, इस कलयुग की तिमिर रात्रि से सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया में जाना है, सुंदर दुनिया में जाना है। और जहाँ जाना होता है वहाँ के लिए वैसी तैयारी करनी होती है ना। अभी आप कहाँ कहाँ से आए होंगे, आपके यहाँ गर्मी होगी, कैसा मौसम होगा, कुछ होगा, मगर जब आपने सुना होगा माउंट आबू जाना है तो आपकी जो तैयारी हुई होगी वो किस तरह से हुई होगी। हिल स्टेशन है, ठंडी भी हो सकती है, भले एक स्वेटर तो रख ही लें, शॉल तो रख ही लें, ज़्यादा भी नहीं। कहने का भाव, जहाँ जाना होता है उस स्थान के हिसाब से तैयारी की जाती है। अभी हम सबको ये सृष्टि चक्र का जो चक्र है इसको कंप्लीट करके अपने उस घर जाना है, और ना सिर्फ जाना है, पुनः वापस इस रंगमंच पर आना है। तो कहाँ आना है, वो कमाई तो अभी जमा करनी पड़ेगी ना। उसके लिए राजयोग चाहिए, प्रेम योग चाहिए, कर्म योग चाहिए। कर्म हमारे श्रेष्ठ बने, क्योंकि अंतर केवल सद्गुण और अवगुण का है। परमात्मा शिव पिता कहते, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। आपके जीवन में सद्गुण है, श्रेष्ठ गुण है, सदाचार है, प्रभु चिंतन है, शुभ विचार है, तो आप देवात्मा है, महात्मा है, कर्मयोगी हैं, राजयोगी हैं। पर चिंतन है, नकारात्मक चिंतन है, दुखदायी चिंतन है, दुखदायी स्मृतियां हैं, तो आप क्या हैं वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, उस लाइफ के हम सब अनुभवी हैं, ठीक है। तो आप सब कौन हैं अभी आज से, कौन है, एक ऊंची आवाज़ में बोलिए ना, कम से कम आबू रोड तक तो आवाज़ जानी चाहिए। कौन है आप सब, कौन है आप सब, राजयोगी। अभी आप में से कोई कहेगा मैं परेशान होने वाला योगी हूँ, चिंताओं में घिरा योगी हूँ, समस्याओं से घिरा योगी हूँ, नहीं। एक मिनट के लिए आप सब से रिक्वेस्ट है, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना हाथ ऐसे आगे कीजिए, अपनी हथेली पर आप अपनी इस तिजोरी में जितनी भी समस्याएं, चिंता, भय, तनाव, संबंधों का दुख, पदार्थों का दुख, जो भी दुखदायी चीज़ें हैं सब यहाँ ले आइए, सब ले आइए, छोड़ना नहीं तिजोरी में, अच्छे से देख लीजिए। इन इन चीज़ों ने मुझे दुख दिया, परेशान किया, तनाव दिया, मेरी स्थिति को खराब किया, सब ले आइए।
आ गया। एक बार फिर निहार लीजिए, कुछ रहा तो नहीं। मुट्ठी बंद, सामने निराकार ज्योति बिंदु, जिसको अनेक धर्मों में अनेक नामों से जाना जाता है, जो आप समझ ही गए हैं, उसके सम्मुख रख दीजिए कि मैं आपको अपने जीवन की समस्त समस्याएं आज समर्पण करता हूं। छोड़ दीजिए। और अब इस हाथ को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, थोड़ा और, थोड़ा और पीछे बैक में ले जाइए, कंधे पर रखिए, शाबाशी दीजिए। मैं एक, बोलिए, मैं एक परमात्मा का बहादुर बच्चा हूँ। थपथपाइए अपने आप को, शाबाश। आज मैंने अपने सारे बोझ शिव पिता को अर्पण किए, अब मैं बोझ मुक्त, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त होकर अपने स्थान खुशी खुशी जाऊंगा और परमात्मा से थपथपाते रहिए, वायदा करता हूँ मैं खुशी रहूँगा, संसार की कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। अब इस हाथ को वापस लाइए। अब इस पोजीशन में अब एक और वायदा, मेरे पास जो भी आत्मा दुखी अशांत परेशान आएगी, मैं उसको भी शिव पिता परमात्मा की शक्तियाँ देकर खुश बना दूंगा। धन्यवाद। बैठ जाइए। अभी हम 3 मिनट के लिए अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर वो शक्तियाँ परमात्मा से ले लें, जो आप गिफ्ट के तौर पर, अपने जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पर यहाँ से ले जाएंगे। और जो जो आपको मिलेगा और पूछेगा कहाँ गए थे, तो वो सब उनको बांट देना, ठीक है? तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों का पुंज, एक महान आत्मा हूं। क्योंकि मेरा रक्षक, मेरा पिता इस सृष्टि का रचयिता, स्वयं परमात्मा है। मैंने अपने जीवन की नाव उस कुशल नाविक मांझी शिव पिता को सौंप दी,
प्यारे शिव बाबा, अब आप मेरे सच्चे सच्चे पिता हो, माता हो, मेरे सच्चे सच्चे परम मित्र हो, आप जिस हाल में रखेंगे मैं खुश रहूंगा। आपकी पवित्रता, शांति, शक्ति, स्नेह, आनंद, दया की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा स्वयं को बहुत हल्का, शक्तिशाली, खुश, शांत, सुखमय अनुभव कर रही हूँ। आपका ये प्यार, ये उपकार, आपका हाथ और साथ की वरदानी छत्र छाया निरंतर मुझ आत्मा पर यूं ही बनी रहे। सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, मेरा जैसा भाग्य किसी अन्य का नहीं। स्वयं भाग्य विधाता जब मेरा है तो मेरा भाग्य कैसे श्रेष्ठ ना होगा। मैं भाग्यवान आत्मा अपने प्यारे परमात्मा पिता का साथ और हाथ हमेशा देने के लिए दिल से शिव पिता को शुक्रिया अदा करती। शुक्रिया बाबा, आपका हजार गुना शुक्रिया। ओम शांति।